ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपनी आत्मिक लाइट को बढ़ाओ, आत्मा में पावर भरो, खुद को शक्तिशाली बनाओ। यही लाइट अंत समय में बहुत काम आएगी। ये रूहानियत की लाइट आपके द्वारा सबको साक्षात्कार कराएगी। जो जिस भावना से आपके आगे आएगा वही प्राप्तियों से भरपूर हो जाएगा। जिस प्रकार लौकिक में भी लाइट से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही जितनी जितनी हमारी मस्तक में आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी उतना ही हमें अपना भविष्य क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में जुड़ी हुई आत्माएं हैं उनको भी अपना आने वाला भविष्य इस ज्ञान रूपी लाइट का मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब अपनी आत्मिक लाइट को हमें बढ़ाना है। इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे खुद को देह से अलग आत्मा समझो और इसका हर रोज अभ्यास करो। अशरीरी बनने का, खुद को आत्मा अनुभव करने का और सबको मस्तक में लाइट देखने का अभ्यास बढ़ाते जाओ। इसे डायरी में लिख लो कि ये अभ्यास मुझे दिन में 5 बार करना ही है। इसी अभ्यास से हमारे सारे विघ्न कटेंगे और हम माया जीत बनेंगे और हमारे मस्तक में आत्मा की लाइट ओरा दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा। माया बहुत कोशिश करेगी, जितना हम आगे जाएंगे हमारी लाइट बढ़ेगी, माया हमें और पीछे खींचेगी। लेकिन हमें डायरी में लिख लेना है कि अब मुझे गिरना नहीं है, कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है, ना ही कोई अपवित्र किसी बात में कुछ देखने में बिल्कुल नहीं जाना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दो कि मुझे अब कोई भी मनसा वाचा कर्मणा नैनों से कुछ भी गलत नहीं देखना है, ना कोई अपवित्र कर्म करना है, सिर्फ मुझे अपना भविष्य बनाना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है और मुझे दिन में 5 बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है, इस देह में खुद को आत्मा समझना है और कम से कम 10 या 15 लोगों को जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं उनको आत्मिक दृष्टि से देखना है, जैसे मुझे उनके मस्तक में स्पष्ट आत्मा दिख रही है। ये उनका हड्डी मांस का शरीर है, वस्त्र है और आत्मा इसमें भ्रिकुटी के मध्य बैठी हुई है, अपना कार्य कर रही है, ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रही है और मैं आत्मा इसी तरह से अपने शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके निरंतर पार्ट बजा रही हूँ। अशरीरी बनने का अभ्यास नोट करें, खुद को आत्मा समझने का अभ्यास, अनुभव करना गहनता से गहराई से कुछ मिनट सेकंड दिन में 5 बार, ये पहला। दूसरा, दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास, ये भी गहरी अनुभूति करनी है, खुद के अंदर ये भरना है कि ये कौन है जो मेरे सामने है। स्पष्ट गहरी अनुभूति। और तीसरा, मुझे अब कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है, आत्मिक लाइट अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे
काम विकार के अंश वंश और सूक्ष्म माया से भी खुद को दूर रखना है, और जितना हमारा दृढ़ संकल्प होगा उतना ही हम इन सब से सहज ही पास हो जाएंगे। तो ये तीन बातें जिनसे हमारी आत्मा की लाइट ओरा शक्ति बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में खासकर विनाश काल में ऐसी आत्मा इस संसार में साक्षात्कार मूर्त बनकर पाठ बजाएंगी, महान योगी बन जाएंगी और उनकी एक दृष्टि से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए अब मुझे अपने आत्मिक लाइट को बढ़ाना है। ये आत्मिक लाइट हमारे अंदर बाबा के समान ही परखने की शक्ति को भर देगी, हमारे अंदर अलौकिकता आने लगेगी, हमारी कर्मेंद्रियां शांत शीतल होने लगेगी और हम सब विकारों से उसके अंश से मुक्त हो जाएंगे। और यही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वरदान होगा, अति सुखमय और सर्व प्राप्तियों से भरपूर ये जीवन होगा। इससे बढ़कर संगम में कोई प्राप्ति नहीं है। ओम शांति।